प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पाठ नंबर 15 टीचर लेखन का स्वाध्याय करेंगे, लेकिन स्वाध्याय करने से पहले संक्षिप्त में टीचर लेखन की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो साधारण शब्दों में, जब हम किसी घटना, समाचार या किसी चरित्र का वर्णन करते हैं तो उसे टीचर लेखन कहते हैं। यह फीचर लेखन स्पष्ट रूप में किया जाता है। फीचर लेखन में हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी बात को हम कम शब्दों में तथा रोचक ढंग से प्रस्तुत करें। यह फीचर लेखन मनोरंजक पूर्ण होना चाहिए तथा इसमें सरल भाषा का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। फीचर लेखन में घटना देखी सुनी हो या किसी के चरित्र का देखकर जब हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम अच्छे से लिख पाए, वही फीचर लेखन है। इसमें हास्य तथा कल्पना को भी प्रधानता दी जाती है तथा विचार विमर्श भी किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो फीचर लेखन का प्रारंभ जो है वो नवीन शैली में होना चाहिए। लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। हम अपनी बात को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकें, यही फीचर लेखन है। तो आज हम फीचर लेखन का स्वाध्याय करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फीचर लेखन के क्षेत्र में हमें किस तरह रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा किस तरह हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रखने का प्रयास फीचर लेखन के माध्यम से किया जाता है। तो हम आज स्वाध्याय में पहला प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक में फीचर लेखन की विशेषताएं। तो आज हम स्वाध्याय के माध्यम से फीचर लेखन की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। फीचर लेखन में किसी घटना, स्थान, व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख है। फीचर लेखन को एक नया आयाम दिया जाता है। फीचर समाचार पत्र का प्राणतत्व होता है। फीचर किसी गद्य गीत की तरह होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। फीचर किसी का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता का यह मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में शब्द चयन बहुत महत्वपूर्ण है। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। में किसी व्यक्ति, घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर पर तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए। फीचर पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि के अनुसार होना। अब दूसरा प्रश्न है फीचर लेखन के सोपान। फीचर लेखन की प्रक्रिया के सोपान सबसे पहला आ जाता है, इसमें प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर लेखन के विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। यह परिचय आकर्षक और विषय अनुकूल होना चाहिए। दूसरा है विवरण अथवा मुख्य कलेवर। फीचर में विवरण का मुख्य स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता रोचकता के साथ तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर पाठकों के सम्मुख रखता है। तीसरा आ जाता है सोपान में उपसंहार। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार होता है। इसमें फीचर लेखन का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक को विषय से संबंधित ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे।
चौथा भाग आ जाता है इसका पार्ट शीर्षक। शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासा वर्धक होना चाहिए। पाठ पर आधारित आपका तीसरा प्रश्न है, फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ। फीचर लेखन जब हम कर रहे हैं तो हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। सबसे पहले फीचर लेखन में अलंकारिक तथा कलिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें हमें अलंकारों का और कठिन शब्दों की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फीचर लेखन में अति नाटकीयता से बचना चाहिए। नाटकीयता ढंग से फीचर लेखन करना जो है वह उचित नहीं माना जाता है। फीचर झूठा तथा तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग, घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों के प्रयोग में से बचना चाहिए। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। भावों की प्रधानता होना, विचारों की प्रधानता होना फीचर लेखन का एक आवश्यक गुण है। फीचर बहुत लंबा और गंभीर नहीं होना चाहिए। फीचर से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। फिर आता है, फीचर में किसी व्यक्ति, घटना, विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी देना भी हमें बहुत आवश्यक है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर प्रकाश होना आवश्यक है। तो इस तरह से फीचर लेखन करते समय हमें इन सब सावधानियों को समझना चाहिए। अगला प्रश्न आ जाता है, व्यवहारिक प्रयोग। व्यवहारिक प्रयोग में फीचर लेखन का क्या महत्व है? तो व्यवहारिक प्रयोग में आपकी पाठ्य पुस्तक में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर फीचर लेखन एक प्रश्न ये है, और दूसरा है लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। तो आज हम लता मंगेशकर का फीचर लेखन को संक्षिप्त में समझेंगे। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की अप्रतिम गायिका हैं। उनकी मधुर आवाज़ की पूरी दुनिया दीवानी है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल के घर में हुआ। लता के पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे। अंततः संगीत कला की विरासत में लिया। लता के जन्म के कुछ दिन बाद ही उनका परिवार महाराष्ट्र चला गया। तो इस तरह से फीचर लेखन प्रारंभ करते समय हमें व्यक्ति से संबंधित, जब हम किसी का परिचय दे रहे हैं तो हमें उनका परिचय इस तरह से प्रथम परिच्छेद में देना उचित समझा जाता है। द्वितीय परिच्छेद में लता मंगेशकर ने अपनी संगीत कला का प्रारंभ मराठी फिल्मों से किया। भारत बंटवारा उस्ताद अमानत अली खान के पाकिस्तान चले जाने के बाद लता ने बड़े गुलाम अली खान, पंडित तुलसीदास शर्मा तथा उस्ताद अमानत खान देवसल्ले से संगीत सीखा। कहाँ से उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की, जिस विषय में उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की उसकी जानकारी देना आवश्यक है। तीसरे परिच्छेद, फिल्म इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा फिल्म निर्देशक और संगीत निर्देशक होगा जिसके साथ लता जी ने काम ना किया हो। लता मंगेशकर अत्यंत शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी है। उन्होंने रागों पर आधारित अनेक गाने गाए हैं। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में देश का सबसे जीवंत गीत ए मेरे वतन के लोगों गाया। इस गाने को सुनते ही नेहरू जी की आंखों से आंसू बह निकले थे। और आखिरी परिच्छेद में, लता मंगेशकर भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, भारत रत्न, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड आदि अनेक पुरस्कारों से ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। आज पूरी संगीत दुनिया उसके आगे अपना
मस्तक झुकाते हैं। तो इस तरह से फीचर लेखन जो है वो तैयार किया जाता है। फीचर लेखन के और भी बहुत से प्रकार हैं, जैसे समाचार फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, खोजपरक फीचर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन रुचियों के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आधारित फीचर और रेडियो फीचर। तो इस तरह से फीचर लेखन के बहुत से प्रकार हैं। इन सभी प्रकारों के आधार पर फीचर लेखन लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आज हमने फीचर लेखन के स्वाध्याय के माध्यम से विस्तृत रूप से फीचर लेखन की एक बार दोबारा से जानकारी प्राप्त। धन्यवाद।